चौथा अंग है साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना ना। पहला पहला दूसरा तीसरा क्या था? दूसरा दूसरा क्या है? दीक्षा लेना उसे। तीसरा उनकी सेवा करना, ठीक है। और अब चौथा अनुसरण करना, ठीक है। पांचवा जिज्ञासा करना, छठा नहीं नहीं कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार रहना। त्याग वाले टाइम पीछे मत जाइए। सातवां तीर्थ स्थान में निवास करना। आठवां जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, है ना। तो ये सब प्यार प्राय के एक एक सेंटेंस। तो पर कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक वस्तु त्यागने के लिए तैयार होना, है ना। भौतिक त्याग के लिए तैयार रहना। तो भक्ति में क्या होता है, जब त्यागने की बात आती है तो कई बार हम पीछे हो जाते हैं कि नहीं नहीं अरे छोड़ना, वहां पर सीखा ही नहीं। जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, है ना। तो परिग्रह भाव नहीं रखना, मतलब आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। और अगला एकादशी के दिन उपवास करना, वट वृक्ष को नमस्कार करना, यानी कि कुछ शुभ फल होते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, पीपल का पेड़। तो पीपल, वड, आंवला, ऐसे कई पेड़ होते हैं जो शुभ होते हैं, तो उनको भी, उनका अनादर नहीं करना, उनका भी नमस्कार करना। पर ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग वृक्षों की पूजा करने लग जाते हैं, उनको पूजा करने के लिए नहीं बोला जाए, भगवान को छोड़कर वृक्षों की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं। ऐ भक्तों का संग त्याग, ठीक है। और अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। हाय रे थोड़ा अयोग्य शिष्य न बनाना, मतलब ये कि आगे के लिए ना। अधिक मंदिर न बनाना, मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में व्यक्ति भक्ति प्रचार को भूल जाता है, इसलिए उतने ही मतलब आवश्यक होने चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद का मैसेज भी है कई जगह से कि हमको हमारा प्रीचिंग है मिशन, है ना। तो मंदिर बना रहे हैं उद्देश्य प्रीचिंग के लिए, ये नहीं कि हमको जैसे फुल टाइम भक्तों के लिए, कि हमको रहने के लिए अच्छा आलीशान जगह चाहिए, पहले वो हम करेंगे फिर प्रचार के लिए जाएंगे। प्रचार मिशन है, तो इसको उनका देखेंगे किसी भी शहर में पहले प्रचार होता है 10-15 साल, फिर जमीन कोई डोनेशन से मिल जाती है, नहीं तो कोई डोनेशन इकट्ठा करके जमीन खरीद ली जाती है, फिर उसमें मंदिर निर्माण कराया जाता है। तो पहले प्रचार। तो अधिक मंदिर नहीं बनाना, मतलब कि केवल मंदिरों बनाने में नहीं जाना चाहिए, कि हमारे मंदिर मंदिर होने चाहिए, प्रचार को भूल जाए। मंदिर इस प्रचार में सहायक होता है, क्योंकि सामान्य लोग क्या आते हैं, अगर हम किसी सामान्य ऐसे झोंपड़ी बनाकर अगर साधु बैठेंगे तो उनके पास लोग आएंगे नहीं। तो मंदिर में भगवान की अर्चा विग्रह स्थापित होंगे, सुंदर सुंदर फेसिंग होगा, तो लोग उससे अट्रैक्ट होकर आएंगे, बोले क्या मंदिर है, क्या भगवान का श्रृंगार है। तो फिर इस बहाने उनको भक्त बनाने का अवसर मिलेगा, ठीक है। अधिक पुस्तकें न पढ़ना, मतलब अधिक पुस्तकें न पढ़ने का मतलब है कि हमको जो रिकमेंड है आचार्यों के द्वारा वही पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मैं पुराण पढ़ूंगा, मैं मनुस्मृति में जाऊंगा, मैं अब इनमें जाऊंगा, मैं उनमें जाऊंगा। अभी गीता भागवत चैतन्य चरितामृत हुई नहीं है, है ना। और दूसरे दूसरे पुराण उपनिषद आदि उसमें जाएंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वेदों जो वैदिक शास्त्र है वो समुद्र के समान है। वहां जाके क्या कोई कोई सोचे मैं तो समुद्र से डायरेक्ट जाके खनिज निकाल लूंगा, कुछ रत्न आदि निकाल लूंगा, मूंगा चट्टान खोद लूंगा, संभव है।
ला के दे दिया, कुछ उसमें से ले लो। तो आचार्य ने हमारे ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास देव, वहां से शुरू होकर सब ने, हमारे जितने प्रीवियस आचार्य हैं, एक से एक इतने महान हुए, श्रीधर स्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, षड्गो स्वामी, नाना शास्त्र विचार अनेक, अनेक अनेक शास्त्रों को ये विचार करने में कैपेबल है। तो सब विचार कर करा के ये हमारे लिए लाके दे दिया कि आपके लिए ये प्रेस्क्रिप्शन है, तो उसको लेना है और ये उसको अच्छी तरह लेके फिर जब रूपात बुक्स पूरी हो जाए अच्छे से, है ना, और तब आगे गोस्वामियों के ग्रंथ पढ़ने जाए, तो सीनियर भक्तों से, जिनके हम गाइडेंस में, उनसे सलाह लेकर फिर उसमें आगे प्रवेश करें। ये नियम। ओके, अगला। सामान्य व्यवहार में स्पष्ट वादिता एवं हानि लाभ में संभाव। देवता, देवता क्या है? देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए, है ना। हम देवताओं की पूजा नहीं करते, लेकिन देवताओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी भगवान के भक्त हैं। ठीक है, हानि लाभ में संभव। ये सातवां अध्याय पढ़ रहा हूं आपसे, छठा दे सेम है, पर यहाँ थोड़ा श्रील प्रभुपाद इसको विस्तार से। किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना, ये तो गीता के अंदर चर्चा आएगा, है ना। जब हम गीता पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर चर्चा आएगा, दूसरे अध्याय के 50 से लेके 60 श्लोक के बीच में। ठीक है, तब तब प्राप्य शुभाशुभ, तीन चार श्लोक में भगवान बताते हैं। ठीक है, अभी इनको 64, ये इनको फटाफट पढ़ के आगे 5 मुख्य अंगों की चर्चा करनी है ना। वर्जनीय अपराध, अध्याय 8 वर्जनीय अपराध, तो 32 अपराधों की सूची। मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए, है ना। आ रही है जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि ऐसे उत्सव होते हैं ना, उत्सव में भाग लेना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं, सुनिए सब लोग, हरि बोल। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर श्री हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं कि जब व्यक्ति नाम जप अपराध रहित होकर करे, फिर भी अगर वो फल नहीं मिल पा रहा है, मतलब भक्ति में कुछ प्रगति नहीं महसूस हो रही है, अपराध भी नहीं कर रहे हैं, ठीक से जप कर रहे हैं, कोई सा भी पहला अपराध, 10वां अपराध, 7वां अपराध, 3रा अपराध, 10वें का दूसरा पाठ, सब कोई सा भी अपराध नहीं कर रहे, फिर भी मतलब, तो फिर उसके अंदर 3 प्रकार के प्रमाद है, समझ लेना चाहिए। 3 प्रकार के प्रमाद, यानी पागलपन, 3 प्रकार के प्रमाद उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उदासीन्य, जाड्य और विक्षेप, ये 3 बताए हम। उदासीन्य जाड्य मतलब उदासीनता, और जाड्य मतलब आलस। उदासीनता मतलब नाम करने का ही मतलब करेंगे, अभी तो सुबह हुई है, बाद में करेंगे, उदासीनता ऐसे, या उतना सीरियस नहीं लेना। और जाड्य मतलब नाम ले रहे हैं लेकिन आलस आ रहा है, बहुत आलस आता है, नाम लेते ही इच्छा ही नहीं होती, छोड़ दो माला को। और विक्षेप, विक्षेप यानी ध्यान भटक रहा है, तो ध्यान भटक रहा है, और इन तीनों का उपाय भी बताया है। तो विक्षेप का उपाय है ना, ये बताया जो यहाँ पर ये सिमिलर है, इसलिए मेरे को याद आया कि जो उत्सव आदि होते हैं ना, उनमें पूरी तरह नियोजित हो जाना। जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम आएगा, बलराम पूर्णिमा का प्रोग्राम आएगा, तो उसमें A to Z सब तरह की सेवा सुबह से शाम तक अंगेज हो जाना चाहिए, कि लगे रहे इधर 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 इधर, पूरा ऑब्जर्व फुल्ली जन्माष्टमी में। और रथ यात्रा है मान लो, तो रथ यात्रा में 8 घंटा पूरा बस अब भूल जाएंगे दुनिया को, हो गए शामिल ऐसे। या फिर जैसे हमारे लिए संडे प्रोग्राम उत्सव के जैसा होता है मंदिर में, है ना, आधा घंटा गजब का डांसिंग कीर्तन होता है, उससे पहले आधा घंटा बैठ के कीर्तन होता है, तो ऐसे में उसमें भी 2 घंटा उसका संडे प्रोग्राम पूरा ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। तो
ऐसे ऑब्जर्व जब करेंगे ना अपने आप को, तब हमारा जो विक्षेप ध्यान भटकना है ये घटेगा। ये प्रैक्टिकल उपाय बताया श्री भक्ति ठाकुर, इससे मेरे को याद आ गया। अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, है ना। भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन है, क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। कई बार प्रश्न पूछकर होता है सबका, इसका उत्तर यहां मिल गया। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए, हम दंडवत करते हैं ना कई बार, क्या भक्त एक हाथ ही देखे रहे, एक हाथ ऐसे तो सैनिक लोग करते हैं, मिलिट्री लोग करते हैं, दोनों हाथ सर के ऊपर होना चाहिए जब हम दंडवत करें या पंचांग प्रणाम करें, ये विधि है, ध्यान रखिए। श्री मतलब दोनों हाथ सिर के आगे होने चाहिए, पंचांग प्रणाम करें तो श्रेष्ठांग प्रणाम, हाँ तो जो भी सिर के ऊपर होने चाहिए। कई बार माला भी पकड़े पकड़े हम ऐसे करते हैं। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बार बार प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, मतलब राउंड घूमते ना कुछ लोग, राउंड घूमते हैं भगवान के समक्ष, तो राउंड नहीं घूमना चाहिए। परिक्रमा मार्ग बनाया ना भगवान के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान के सामने खड़ा होकर बोल, हाँ ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने हाथों से टखने कूनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। ये 32 प्रकार के वर्जनीय अपराध है ना, सेवा अपराध, उनमें से हाँ। क्यों इसका कारण कि मैं जाना चाहेंगे तो हरि भक्ति विलास में जाना पड़ेगा, वो यहाँ बताया नहीं करना चाहिए, इसकी गहराई में जाएंगे तो फिर हरि भक्ति विलास। गोस्वामी के ग्रंथों में कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, कई बार घर छोटा होता है, हॉल में ही मंदिर होता है, तो पर्दा लगा लेना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ तो अपराध है, सेवा अपराध है, इसीलिए तो हमारी सेवा में सेवा अपराध का रिजल्ट क्या होता है, सेवा की भावना घट जाती है, तो हमारी भावना इसीलिए घटी रहती है, हम सेवा अपराध करते रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा पढ़ के आइए आप, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ने तो ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम घर में है ना तेज आवाज में बोलते हैं, तो कम से कम भगवान के समक्ष न बोलें, या तो वहां से हट जाएं सामने से, या पर्दा लगा लें। विग्रह मतलब केवल अष्ट धातु के विग्रह या मार्बल के विग्रह नहीं, तो विग्रह 8 प्रकार के होते हैं, जो चित्र है ये भी विग्रह कहलाता है, मिट्टी का, बालू का, पत्थर का, अष्ट धातु का, लकड़ी का, ऐसे करके 8 प्रकार के विग्रह होते हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। दीवार फिल्म में औलाद अनुकरण नहीं करना चाहिए। पहले फिल्म आई थी बॉलीवुड में दीवार, उसमें अमिताभ बच्चन जाके
अर्चा विग्रह को समक्ष मतलब वो घंटियां बजा के वो करते हैं, जो भी है लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और किसी को डांटना नहीं चाहिए अर्चा विग्रह समक्ष। और अर्चा विग्रह समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। नहीं अन्य वो कृष्ण प्रेम का रोना नहीं है, बात है वो प्रेम में रोना वो अलग होता है। अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए अर्चा विग्रह के समक्ष। रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। सामने भगवान खड़े और हम कई बार क्या होता है, जैसे कोई रिश्तेदार आया मंदिर मिल गया, अरे ताऊ जी प्रणाम, तो अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामने खड़े उनके समक्ष दूसरे को प्रणाम कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। केवल उनके शुद्ध भक्तों को प्रणाम कर सकते हैं और बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करना चाहिए। उनको पता नहीं है ना प्रणाम। और किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए अर्चा विग्रह समक्ष। और अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें जो है ना कई नियम जो है वो अल्टर के अंदर, क्योंकि अर्चा विग्रह के समक्ष एक तो उनका पर्सनल कमरा गर्भगृह, तो जो सेवाकारी भक्त हैं उनके लिए विशेषकर, और साथ साथ जो मंदिर में मतलब बाकी जो हॉल होता है टेम्पल हॉल उसमें भी तो कई चीजें हैं वो केवल वहां के लिए लागू है, कई पूरे के लिए लागू है, ठीक है। और अपने साधन के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये भी बात है कि कई बार जैसे हमने सुना, अब हमारे लिए ये सब बताए गए हैं, जो भक्ति कर रहे हैं जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए सेवा अपराध है, पर जो न्यू कोई कमर्स है जो सामान्य व्यक्ति है मंदिर में आना शुरू किए हैं और वो ऐसा कोई मिस्टेक करे, प्रणाम इधर नहीं उधर कर रहा है या ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो उनको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेवा ही नहीं कर रहे तो सेवा अपराध उन्हें क्या लगेगा याद आ गया कि वो एक बार एक ज्योतिष के पास जाता है और अपना हाथ दिखाता है, तो हाथ दिखाते ओहो तुम्हारा तो शनि बिगड़ा हुआ है अब क्या करूं, अब बताओ बिगड़ा हुआ है तो क्या, बोले इस कांड तुम्हारे ये है वो है वो है, अब पता है इस संसार में सभी क्लेश में, तो किसी को कह दिया तुम कष्ट में हो, बोले हाँ तुम किस पता गीता में पढ़ा है दुखालयम अब उसको कह दे तो क्या उपाय क्या है, बोले पूजा करनी पड़ेगी 11,000, अरे 11,000 तो नहीं है, तो बोले थोड़ा कंसेशन कर देते 5,100 भी नहीं है मेरे पास, तो ठीक है छोटी पूजा कर देंगे 1100 भी नहीं है, तो कुछ दान वान करा देंगे 100 रुपए, वो तो 100 रुपए भी नहीं है, अरे तो फिर तुम्हारा शनि क्या बिगाड़ लिया तो ऐसे ही क्या होता है मंदिर में जो न्यू लोग आते हैं उनको कई बार क्या होता है, भक्त लोग अरे ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, उनको टोकना नहीं चाहिए, आना ही बंद कर देंगे, क्योंकि ये सेवा अपराध है, किसको लगेंगे, जो सेवा कर रहे हैं उनको लगेंगे, और परिणाम क्या होगा, सेवा की भावना घटेगी, जो सेवा जानते ही नहीं क्या होती है, और बुधवार को गणेश जी, मंगलवार को बालाजी, संडे को इस्कॉन, उनको क्या सेवा अपराध लगे, तो इसलिए उनको ये टोकना नहीं चाहिए। 25 कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, है ना। तो कई बार भक्त लोग क्या करते हैं कि कहीं पे कुछ मिला, अब क्या करें, मार्केट से कुछ जूस वूस लिया, तो पास में कुछ तुलसी रखें और तुलसी डाल के तुरंत मन में भगवान को अर्पण करें, कुछ 10-11 हरे कृष्ण महामंत्र बोल लें गुरु के थ्रू स्वीकार, ऐसे ऑफर करके खाना चाहिए।
ऑफर करे भी ना खाते हैं, उसका पाप लगता है और सेवा अपराध भी है। और कुछ तुलसी नहीं है तो कम से कम मन से भी कर लें, आज तुलसी लाना भूल गया मेरे पास नहीं, तो मन से ऑफर करें, लेकिन अर्पित करके खाएंगे। भगवान हम तो खाएंगे तो आपका उच्छिष्ट खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए, है ना। सीजन आया है कुछ आम का, एप्पल का, भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि गाय का पहले निकालो, कुत्ते का पहले निकालो, कौओं को पहले दो, ऐसे पहले भगवान को भोक्तारम यज्ञ तपस्या। हाँ, तो सेवा पर सेवा की भावना घट जाएगी। भगवान भोक्तारम यज्ञ तपस्या, गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए, गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, गुरु के पास जाते हैं अपनी बड़ाई करते हैं, मैंने ना इतना किया, ऐसा किया, ये किया। अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये 32 अपराधों की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है, वे इस प्रकार हैं। उपहास मतलब उनका मजाक नहीं करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं। हाँ, वरा पुराण में जो बताए गए अनेक अपराध है। अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए, है ना, सुन लीजिए सभी। अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए मंदिर, हाँ, ताली बजा के है कुछ, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्थात अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। ये क्या मौन भंग, मुझे भी नहीं पता, तुम पता। पूजा करते समय मौन भंग, अच्छा, देखिए ये जो चीजें है ना, ये जो अपराध है स्पेशली मंदिर में जो पुजारी पूजा करते हैं उनके लिए है। तो भगवान की अर्चन कर रहे हैं या भगवान का ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उस समय पट 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 बोलते जाएं वो ठीक नहीं है। तो उस समय अपना मौन धारण रखना चाहिए। वास्तव में पूजा करते समय मतलब केवल आवश्यक हो उतना ही बात करना चाहिए, बात करेंगे तो सेवा अपराध। कई बार क्या होता है, भक्त लोग पूजा कर रहे हैं मतलब भगवान के श्रृंगार कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, साथ साथ आज मोदी ने लेक्चर दिया है, आज ये हुआ है, वो हुआ, दूसरी बात, तो सेवा अपराध लगता है। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए, मलमूत्र त्याग में नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए, सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए, शव को चूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो शव यात्रा में जाते हैं तो स्नान करते हैं, लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लाल नीले बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मतलब भड़कीले, है ना। हम दास है ना, तो दास की ड्रेस रखना चाहिए।
ये एक जो है ना स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब जब समय टाइम आया होता है तो कई बार क्या होता है हम सावधान नहीं रहते, तो उस समय स्त्री को छू के फिर सीधे सेवा करने जाएंगे ना तो आपका सेवा अपराध हो जाएगा। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए, अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये पुजारी के लिए जो मंदिर में पुजारी, गांजा नहीं पीना चाहिए, अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो शरीर में तेल लगाने से भी क्या होता है कि शरीर अशुद्ध होता है, तो भक्त लोग क्या करते हैं स्नान से पहले तेल लगाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि पसीना आया हुआ है शरीर में मेल है तो पहले स्नान करके फिर तेल लगा के फिर वापिस थोड़ा पानी डाल लेना चाहिए पूरे से, ठीक है ना। तो स्नान के बाद हाँ बालों पे कहीं पे भी स्नान से पहले तेल अप्लाई करना चाहिए बालों पे बॉडी पे, वो स्नान से पहले, या तो फिर जैसे स्नान करके तेल लगाया फिर थोड़ा सिंपल पानी डाल दिया, ये तो सब जगह ये तो शरीर अशुद्ध होगा, क्या करें कॉस्मेटिक्स। हाँ कॉस्मेटिक्स भी वैसे तो कॉस्मेटिक्स की क्या आवश्यकता पड़ती है, और जो भी लगाना हो वो पहले लगा के फिर ऊपर पानी डालो, जैसे चेहरे पे क्रीम लगानी हो या कोई जेल लगाना हो कुछ भी ना, पता नहीं उनमें भी तेल वेल हो। वो अलग बात है, भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए, किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए, विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है भक्त थोड़ा इधर उधर से या इस्कॉन से जुड़ने से पहले कुछ कुछ कोई दूसरा कहीं पढ़ा हुआ हो तो क्या होता है कि वो जुड़ गए इधर फिर उनसे कंपेयर करता है, इस मामले में तो वो उस वहां ठीक लिखा, वो उसमें हमने पढ़ा उसमें ठीक लिखा, दूसरा कोई मायावादी शास्त्र हो कोई जो भी तो वो भी अपराध। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए, नहीं ये जो पद्म पुराण में दिए गए सेवा, गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए, बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अभी तो आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपने मस्तक पर तीन रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए, हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्य क्या करें बोल। हाँ हाँ ये जो नियम है अधिकांश मंदिर के लिए है, मंदिर का हम तू कॉपी नहीं कर सकते घर में, मंदिर का हम घर में मतलब जितना प्रैक्टिकल है उतना ही कर पाए, वहां पर कुछ जैसे चिल्लाना कोई अन्य कोई मतलब प्रशंसा करना इस तरह के कुछ अपराध तो हम घर पे भी जितने हो सके हम घर पे न करें, लेकिन पूरी तरह से मंदिर के नियमों को घर पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। मंदिर में जो पुजारी जो होते हैं वो बिना स्नान किए नहीं जाते, वो प्रसाद लेंगे तो स्नान करें, वो पेशाब करेंगे तो भी स्नान करके जाएंगे, मल त्याग के बाद तो स्नान करते ही हैं सभी। देखिए कुछ अन्य भी हैं, हम पढ़ लेते हैं। अन्य नियम इस प्रकार है, अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए, देखिए ये बात भी है ये डिपेंड करता है कोई घर में कितना कोई
सीरियसली फॉलो करते हैं, लेकिन मंदिर में तो नहीं करना चाहिए। नहीं, वो जो प्रोग्राम के निमित्त बनता है ना, वो क्योंकि उसमें उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा के लिए, तो उसमें जो सेवा करने वाले हैं वो उस समय अशुद्ध नहीं कहलाते। लेकिन ऐसे हम बाहर से कुछ लाके और सीधा भोग लगाते हैं, तो उसमें कहा गया है कि मंदिर में कम से कम भोग नहीं लगना चाहिए। जो हालांकि यहाँ हम देखते हैं, आप जाओगे मंदिर में, आप देखोगे कोई डब्बा लेके आया कहीं का भी, पुजारी ने भोग ले गए, तो वो क्या होता है कि उनकी बात रखते हैं। बाकी जो मेन भगवान का जो शेड्यूल है ना, जो 8-9 बार उनको भोग लगता है, उसमें उनकी थाली में वो डाल के वो तुलसी डाल के उनको थोड़ा कि लो जी अर्पित हो गया, तो उनके मन रखने के। अन्य नियम इस प्रकार हैं, अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐ भक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए, पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं, इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए, नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं करना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह पूजा नहीं करना चाहिए। आपको ये तो विरोधी बात आ गई। अन्यों के समक्ष ये जैसे कई केस में लागू होता है, कई भक्त जैसे उनके इतना विपरीत माहौल होता है कि उनके सब विरोधी हैं, तो ऐसे में क्या है कि वो या दूसरे जो से जहाँ पे केवल देव उपासक मतलब भरे हैं, उनके घर में कोई भक्त हो गया तो उसके लिए कि भी चलो ठीक है, तुम दूसरा जब देख रहे तब हाँ ओम जय गणपति देवा, पर अंदर से हमारे अनन्य भाव से मतलब ये बता रहे ना कि देखो भक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह पूजा नहीं करना चाहिए, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए, पहले गणपति देव की। तो शुरुआत वहां से अभक्तों के समक्ष, अभक्त मतलब जो मतलब श्री कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे, है ना, जो श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते, वे सब अभक्त हैं। और कोई अगर बताने पर भी न माने, मान लो किसी को मूर्ख है, उसको पता नहीं है, तो वो एक अलग बात है, वो बताने से समझ जाएगा, श्रद्धालु है हाँ जैसे जैसे बता रहे समझ रहे, लेकिन एक ऐसा है कि समझेगा नहीं बल्कि उल्टा ज्ञान देगा, बोले नहीं नहीं वो है भगवान, तो अभक्त हो गए, मतलब उसने धारणा बना ली कि वो श्री कृष्ण के शरणागत नहीं आने। वो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि विशेष किसी काल में कि जब इतना दबाव हो कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो लोग तुम्हारी पूजा बंद करा देंगे, तुमको बोले कोई भक्ति नहीं करना, जैसे समझ नहीं क्या किसी कहीं पे पूरा मतलब बड़ा परिवार है और पूरा मतलब वहां पे ऐसे क्या बोलते हैं वो दबदबा चलता है बड़ों का, है ना, तो वहां पे या फिर जैसे कोई माता जी जुड़े हुए इस्कॉन से भक्त भक्ति जीवन से जुड़े, अब उनके प्रभु जी नहीं जुड़े, वो बड़े ही खतरनाक है और कट्टर है एकदम किसी देव उपासना में या किसी और में जो भी है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं जो देव उपासना में कुछ करेंगे, जैसे गणेश जी प्रथम पूज्य आते हैं कर्मकांडी विधान में, कर्मकांडी विधान में प्रथम पूज्य गणेश जी, शिव जी ने वरदान दिया ना उनको, तो उसके लिए कोई नहीं टोकेगा, चाहे कोई भी कैसा भी हो, जब गणेश जी पूजा कर रहे हैं तो कोई नहीं टोकेगा। उसने कहा है कि आप उस समय उनको दिखाने के लिए गणेश जी, ऐसा होता है कई भक्तों में, और एक भक्त है उसको उसके पिताजी और ताऊ जी
ये सब मिलके हैं और पीटते पीटते घर से बाहर ले गए रोड पर, बोले मारेंगे तू फिर भक्ति नहीं छोड़ेगा। हाँ जयपुर में ऐसा केस। ऐसे इसीलिए बताया गया। हाँ जैसे गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं कि हमको कृष्ण चाहिए, लेकिन उसमें क्या है खतरा है हमारे लिए। अगर हमारे लिए ऐसा कोई दबाव नहीं तो हम क्यों जाएं? जिसको हाईवे पर नहीं जा पा रहे वो गांव से होकर जाएगा, पर हमारे लिए हाईवे बना हुआ है तो फिर हम गांव से क्यों जाएं? सीधा हाईवे पे जाएं। क्या क्या परिवार में मतलब परिवार वालों को ये बताएं ऐसा तो। हाँ कर सकते हैं, कोई भी देवता के पास जाए उनसे भक्ति मांग सकते हैं, किसी भी देवता के मंदिर में जा सकते हैं, उद्देश्य भक्ति दो, भक्ति मांगने के लिए जा सकते हैं, भक्ति की बाधाएं दूर करने के लिए जा सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है जब हम भौतिक लाभ के लिए, भौतिक चीजों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। उसके लिए भगवान ने गीता में बताया कामस्तेस्ते हृतय ज्ञाना प्रपद्यन्ति अन्य देवता, तो भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है वे अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं। वो उनको समझते हैं कि देखो श्री कृष्ण नहीं देने वाले तो गणेश जी देंगे। अच्छा ऐसा क्या? हाँ तो आज से गणेश जी। आजकल लोग साईं बाबा को पास जाते हैं, साईं बाबा के फॉलोअर जो है उनके पास, उनका काम अच्छा चल रहा है उनके पास जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरमस्य। हाँ ठीक है आगे पढ़ते हैं, आप लोग ये एक पढ़ लेना ठीक है, ये चले आगे क्यों छोटे छोटे नियम हैं ये, मतलब ज्यादातर मंदिर में अर्चा विग्रह के जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं उनके लिए। जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिया, ये वर्जनीय अपराध है ना, 10 नाम अपराध, उनकी निंदा करना। दूसरा शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम की तुल्य या उनसे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग ये मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब कि स्वतंत्र ईश्वर नहीं हो सकता है ना, और साथ ही साथ स्वतंत्र का मतलब कि भगवान की सृष्टि के बाहर वो नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र ईश्वर भी नहीं है और स्वतंत्र उनकी सृष्टि से बाहर भी कोई स्वतंत्र नहीं। अंग बताएंगे, अंग उपमा दी गई है। हाँ किंतु जो भक्त है भलीभांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो भगवान के बराबर ही उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतः यदि कोई ये सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जप हरे कृष्ण के तुल्य है तो ये सबसे बड़ा अपराध होगा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना तथा गुरु को साधारण मनुष्य समझना, वैदिक साहित्य प्रमाणों की निंदा करना, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना, हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना,
अच्छा ये आठवां नाम अपराध को थोड़ा समझाइए धीरज जी। आठवां नाम अपराध बोलिए बिल्कुल। नहीं वो तो नौ है। आप पढ़ो एक बार, पढ़ो आठवां नाम अपराध। अरे ठीक है, अब इसको समझाइए क्या है, मतलब इस अपराध क्या है किसे? आप बताइए। और मतलब समझाइए को। यस, और कोई बताना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो कोई भौतिक लाभ मिल नहीं सकता, है ना? जैसे एक रुपए का सिक्का के बदले जो मिल सकता है, एक रुपए दो रुपए पांच रुपए के सिक्के में जो मिल सकता है, अब बताया जा रहा है कि 2000 रुपए का नोट ले जाकर 5 रुपए के बदले जो चीज आ रही है उसको मत लाओ। 2000 रुपए दे रहे हो तो 2000 रुपए वाली चीज लो, समझे? तो हरे कृष्ण महामंत्र से भौतिक भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये तो क्योंकि नाम चिंतामणि सब मिलेगा। अगर कोई मुक्ति कामी मायावादी कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो उसको कम से कम बहुत शीघ्र उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसकी अपनी विधि से बहुत सैकड़ों गुना जल्दी मिल जाएगी, हजारों गुना। अगर कोई कर्मी है ना, कोई देव उपासक, कोई सकाम कर्मी, जैसे कोई वेदों में बताया गया विभिन्न यज्ञ विभिन्न दान तपस्याएं आदि करके और जो फल पाना चाहता है कि मैं ये कर रहा हूँ इससे हमारे को ये मिलेगा, हमारा जल्दी ही उनको बिजनेस में 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा, 10 करोड़ का फायदा हो जाएगा। अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करे तो उसकी उन विधियों से कई जल्दी मिल जाएगा और कई गुना मिलेगा, है ना? कई जन्मों तक कोई यज्ञ दान तपस्या कर करा के और स्वर्ग में या एक जन्म में पूरा अच्छे से, है ना, पाप रहित जीवन बिताएगा और यज्ञ दान तपस्याएं करता रहेगा सकाम कर्म कांड, तो वो व्यक्ति स्वर्ग लोक जाएगा और वहां पे अलग अलग प्लेनेट है ना, तो उनमें से उन स्वर्गीय प्लेनेटों में वो 10,000 साल तक वहां रह सकता है। ठीक है, कितने? 10,000 साल तक।
लेकिन अगर कोई भक्ति में कोई भक्त भक्ति करता है वहां फेल हो गया, वो यदि वहां स्वर्ग में गया तो वो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो पूरे कल्प काल तक वहां रह सकता है 432 करोड़ वर्षों। हाँ, कल्प काल तक, ठीक है। तो अब ये हरे कृष्ण महामंत्र जप का उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, श्री श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और ये मिलता है, ये प्रेम फल प्रदान करने वाला है। तो इतना मतलब ऊंचा फल देने वाले इस महामंत्र को अगर भक्त सोचे कि महामंत्र जप करूंगा तो हमारा बिजनेस चलेगा, महामंत्र जप करूंगा तो हमारा बेटे की शादी हो जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, घर मिल जाएगा, इन चीजों को कंपेयर करते हैं तो ये एक अपराध है। इसलिए तुमको 2000 का नोट दिया जाके 5 रुपए का चीज ला रहे हो अपराध, ठीक है। नौवां, अश्रद्धालु को, अश्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। तो हम किसी को भी भक्ति में जुड़ने के लिए बोल सकते हैं, जो गहरे मीनिंग होते हैं नाम के ना कुछ और, तो वो उसको देना चाहिए जब कोई श्रद्धा पूर्वक उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो हमको क्या करना चाहिए, परखते रहना चाहिए जिसको हम कुछ उपदेश दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई मिलता है उसको धड़ खूब सारा ज्ञान दे देते हैं और फिर वो लेके मजाक बनाता है या कुछ उड़ाता है या अवहेलना करता है। तो इसीलिए अश्रद्धालु को मतलब ज्ञान नहीं देना चाहिए, और अगर कुछ देना हो तो सिंपली आप गीता पढ़िए, नाम देखिए, कलयुग में नाम की महिमा, नाम जप, फिर वो कहना कि नाम जब कैसे करें क्या करें तब उनको थोड़ा और बताओ, फिर कहना कि हाँ और थोड़ा आगे बताओ तब और आगे बताओ, ऐसे, ठीक है। तो उनको नए भक्तों को सबसे पहले बताना चाहिए कि हमारा वास्तविक पहचान क्या है, वास्तविक समस्याएं क्या है। वास्तविक पहचान हम शरीर नहीं आत्मा है, और वास्तविक समस्याएं जन्म मृत्यु का चक्र है, ठीक है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का आप जब करिए, इससे जन्म मृत्यु का चक्र छूटेगा और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो भगवत धाम है ना। तो इस संसार से परे दिव्य धाम जहाँ पे दुख कष्ट आदि नहीं है, तो उनको ऐसे हम नए भक्त मतलब श्रद्धालु की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई पहली बार मिला उसको पता ही नहीं श्रद्धालु है नहीं, सीधे उसको तो थोड़ा पहले परखना होगा कि कितना उसका इंटरेस्ट है, देखना होगा कि इतना क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके अनुसार उसको थोड़ा थोड़ा बताए। जब श्रद्धालु हो तो उनको फिर ये बताए भगवत धाम जाना ये जीवन का लक्ष्य, यहाँ पर बार बार जन्म मृत्यु का चक्र, वहां पर ये सच है। तो वो अश्रद्धालु है, बस ये बोले तो वो अश्रद्धालु है। तो अगर कोई कहे कि क्यों देखा तो उनको बताओ कि आप समझना चाहते हो तो मैं बताऊं कौन देखा, तो फिर उनको बताओ कि 3 तरह के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो अभी पीएम मोदी प्रधानमंत्री बना, ये भारत का प्रधानमंत्री ये है, या फिर कल लॉकडाउन है, ये आप जाके देख के आए थे क्या विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी वहां पे बोला है, या सचिवालय में जाके सचिव ने ऐसा कहा है, कौन देखा? तो हमारे पास सूचना कहां से आई, शब्दों से आई ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने पेपर में छापा या फिर न्यूज में बोला, शब्दों से आए ना। तो ऐसे शब्दों से भगवान और भगवत धाम की जानकारी आई, ठीक है। Thank you.
ठीक है, अभी चर्चा का विषय नाम है ना, ये अपराध 64 पढ़ना है पूरे। और 10वां अपराध, इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 10वां और पहला नाम अपराध में गिरते हैं ज्यादा, तीसरा भी करते हैं, लेकिन तीसरा न भी बच बीच गए तो पहला और 10वां। पहला में क्या होता है, निंदा करने में मजा आता है, अच्छा लगता है, क्या हुआ थोड़ा कर लिया। और 10वां क्या है, भौतिक विषय आ सकती है। तो हर व्यक्ति को अपने को वैष्णव, हर व्यक्ति जो अपने को वैष्णव कहता है, इन अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो। तो 10वां नाम अपराध का एक और पार्ट है, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहें। किसी से भी भौतिक आसक्ति, भगवान कपिल देव कहते हैं कि हैं उनके प्रति आसक्ति इतनी बांधने वाली नहीं है जितनी कि जो विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति होती है ना, तो वो आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। तिलक तथा तुलसी कंठी, तो भक्तों को प्रत्येक दिन जब भी स्नान करें तो अपने शरीर के ऊपर 12 तिलक लगाने चाहिए। जब भी स्नान करें तब 12 तिलक लगाने चाहिए। तिलक तो अगर मान लो जैसे सुबह स्नान किया, शाम को स्नान करें, तो स्नान की बात तो करना ही है, बीच में अगर मिट गया है या थोड़ा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा फेस वॉश करके फिर तिलक करना चाहिए। तिलक किए बिना रहना ही नहीं चाहिए। तो कौन मना कर रहे बाकी 11 के, तो कितनी देर लगती है फिर, वो अलग बात है। ठीक है, तो तिलक जो जो नेचुरल मिट्टी आती है ना गोपी तलाव की, वो लंबे टाइम तक चलती है, और ये रीप्रोसेस करवाता है ना गत्ते के डब्बे में, वो जल्दी मिट जाता है। तो नेचुरल मिट्टी को काम देना चाहिए, हाँ गली वाली वो जो डायरेक्ट तो गोपी तलाव से निकली हुई, तो उसको काम लेते वो थोड़ा लंबा चलता है। पद्म पुराण में वर्णन है, वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा तथा पद्म जो चार प्रतीक विष्णु अपने चार हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहां भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। वैदिक समय में मतलब पुराने समय में जिसके मुख पर तिलक नहीं रहता था ना चेहरे पर, तो उसको मानते थे कि ये चंडाल है या यवन है या मलच्छ है। तिलक नहीं है मतलब समझ जाते थे कि ये चंडाल है या यवन है या मलच्छ है। इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मट्टी धारण करते हैं, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं।
जो वैष्णव है उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे वैष्णवों के पास न जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। तो इसीलिए रात को भी अगर स्नान करके सोना ही है फिर भी तिलक लगा के सोना चाहिए। उनका बाजा है सिपाही, उनका दिन रात का है, उनकी 24 घंटे ड्यूटी है। फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्चा विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 11:46 कृष्ण से उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं यथा फूल की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली हैं और मैं आपके उच्चिष्ट भोजन को ही खाता हूँ क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। तो भगवान की फूल माला तो उन जब भी मौका मिले उनको लेना चाहिए, पहनना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमको कोई पहना देता हम तो खोल देते हैं, वो सोचते हैं कि सम्मान किया हुआ है, सब लोग क्या सोचेंगे। पर मैंने देखा बहुत से महाराज सीनियर भक्त है ना, वो फूल माला जैसे उनको सुबह पहना है पहने रखते हैं पूरे दिन, बीच में स्नान वान करेंगे वापिस पहन लेंगे। भगवान की प्रसादी माला है तो उद्धव उनको स्वीकार करते हैं कि मैं आपके पहने हुए कपड़े, आपकी पहनी हुई माला, आपका उच्चिष्ट भोजन। उद्धव जी हमेशा भगवान की चीजों यूज करते, तभी तो जब वृंदावन में गए थे तो सब लोग सोचे कि ये कपड़े हमारे वासुदेव श्री कृष्ण के हैं, ये रथ भी उनका है, ये सब चीजें उनकी है, पर वो चेहरा उनका नहीं दिख रहा। एक वाला दूर रहा था, गाय दूर रहा था, वो कड़ौरे सोचा कृष्ण आ गए पास में, देखा नहीं, सब चीजें कृष्ण की है, पर ये कृष्ण नहीं, वापिस गाय धोने लगे। हाँ नहीं नहीं दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, पर बराबर के भक्तों को देंगे। मान लो वो सीधे भक्त देने वो अपराध ले लेगा, बोले अपनी पहनी वाला मेरे को दे। मतलब जैसे बड़े से छोटे में जाते हैं, उन्होंने आपको दिया, आप वो बच्चों को दे सकते हैं। हाँ मतलब खुद झूठ के नहीं बांटना चाहिए। बात वो आ रही है कि वो उसमें महाराज ने महाराज का उच्चिष्ट लिया, हमने भी अपना उससे झूठ दिया, फिर आगे दे दिया, वो नहीं करना। ये यवनों में होता है, अपने में नहीं होता। महाराज का उच्चिष्ट सब कह सकते हैं, शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट ये भजन को बल देने वाला है। हाँ तो इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण को की अर्पित की गई मालाएं धारण करता है उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। मृत्यु के समय यमराज की दूत उसे अपने पास नहीं बुलाती। यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कलमश से क्रमशः छूट जाता है। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति
प्रसन्न चित रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान के समक्ष जब भी नृत्य करने का मौका मिले, खूब एकदम कई बेनिफिट है ना। अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना, उसको पढ़े, महिमा पढ़े इसकी। आप लोग घर पे पढ़ के आ जाते तो हम आज ही चर्चा कर लेते। नारदीय पुराण में अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में कथन मिलता है, जिसमें कहा गया, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किए हैं और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हों, उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। बताओ, एक बार प्रणाम करने पर भगवान इतना मलफल दे देते हैं। तो हाँ, अगर आप पाप रहित रह सकते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, इस सिद्धांत को अपना रख सकते हैं, तो एक बार प्रणाम करिए आप काफी। पर हम रह नहीं सकते, इसीलिए हमको सततम कीर्तयन्तो माम यतम तस्य दृढ़ होते हैं। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में भी बताया गया, क्या श्लोक है वो, प्रणामे दुख शमनम, ऐसा केवल प्रणाम करने से सारे दुख मिट जाते हैं संसार के, जन्म मृत्यु का चक्र मिट जाता है। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना, ठीक है ना, जैसे रथ यात्रा उत्सव आदि, जैसे भगवान की पालकी जा रही हो तो खड़े होकर उनका स्वागत करना, तो उससे क्या होता है, सारे पाप फलों को धो लेता है शरीर में। अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना, भविष्य पुराण में ऐसा भी कथन मिलता है, जिसमें कहा गया कि यदि रथ यात्रा के समय जब अर्चा विग्रह के आगे से या पीछे से जा रहे हों, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है, तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा, सृष्टि मुक्ति मिल जाएगी उसको। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा, देखिए 64 अंग कितने महत्वपूर्ण है, और इस अंगों का हमको जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम इसको पढ़ने में थोड़ा देर हैं, एक क्लास हमारी आगे जाएगी। पुराणों में कहा गया, जो व्यक्ति वृंदावन मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भव रूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। हरि भक्ति सुदोदय में भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने के लाभों का वर्णन आया है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन मथुरा तथा द्वारका में ये प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरि भक्ति सुदोदय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भवित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं, दोबारा माता के गर्भ में नहीं जाते हैं। कौन, जो मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो प्रत्येक दिन कम से कम दो बार दर्शन करने का विधान बताया गया।
बुद्ध आत्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकते हैं। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना, ठीक है, आप लोग ये पढ़ लीजिए ना, परिक्रमा करना चाहिए, मतलब जो जो ये हमें करना है, ठीक है, इसकी महिमा आप लोग पढ़ लीजिए। सबकी एक एक महान महिमा है हर अंग की। ये हमको षठ गोस्वामी ने जो 64 अंग दिए हैं, ये सब का पीछे शास्त्रों से, पुराणों से आदि उद्धरण लाए हैं, यहाँ पे देवी रखे हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि। देखो यहाँ कहा कि अगर चार बार परिक्रमा कर ली तो सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली, सारे ऐसी परिक्रमा से ऐसे वास्तविक पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है, जहां से होकर गंगा नदी बहती और चातुर्मासी के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की परिक्रमा करते हैं विष्णु मंदिर में भगवान की, तो सारे पवित्र स्थलों में भ्रमण करने के समान हो गए दर्शन। अर्चना, अर्चना का अर्थ इसका आगे आएगा विग्रह से। भगवान की सेवा करना, विष्णु रहस्य में कहा गया है, आप लोग पढ़िए ना। विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राज भवनों की तरह लगते हैं, वे सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतएव वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्च विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है, प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उसमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। अन्य उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है, हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद्ध आत्माओं के वास्तविक मोक्षदाता हैं। बद्ध आत्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं। एक बद्ध आत्मा दूसरे बद्ध आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता, केवल कृष्ण या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाली गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध पाप आत्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में, अर्च विग्रहों की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पाप समूह के फलों को कम कर सकता है। अर्च विग्रह की यह पूजा विधि अर्चना पहले ही बतलाई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।